जी अब्दुल समद बताएं, अब बताएं जी। मुझे ये पूछना था कि जो निकाह होता है, जो मतलब बिना इजाजत के जो निकाह किया जाता है, उस निकाह को किस तरह किस तरीके से कंसीडर किया जाता है? किसकी इजाजत के बगैर? मतलब वालिद की इजाजत के बगैर, मतलब वालिद ने उसकी इजाजत के बगैर कहीं और निकाह कर दिया, तो मतलब वो निकाह किस तरीके, जो निकाह जो होता है वो बातिल होगा, तो उसको एज ए जिना कंसीडर किया जाता है क्या? नहीं, उसमें इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो केसेस आते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते थे केस टू केस। एक लड़की आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे अब्बू ने निकाह मेरी शादी करा दी है, मुझे पसंद नहीं है लड़का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसका भला ही सोचा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की को कहा कि तू जिधर मर्जी कर ले तेरा है, यानी वो निकाह कैंसिल करवा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी वो यही था कि हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि आप चाहो तो इसी को कंटिन्यू कर लो, चाहो तो तोड़ दो। तो अगर वो खुद, मतलब जो लड़की या लड़का है उसका ज़बरदस्ती करा दिया गया निकाह, तो अगर वो खुद उसको कंटिन्यू कर लेते हैं तो वो जिना नहीं होगा, वो एक्सेप्ट कर लिया उसने, ठीक है, वो निकाह ही होगा। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर उनको इख्तियार हासिल है कि वो फिर उस निकाह को तोड़ दें और कहीं और जहाँ उनको पसंद है वो उसको कर लें। लेकिन क्योंकि हम एक शरई इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे, खिलाफत के सिस्टम में नहीं रह रहे, इस्लामिक सिस्टम नहीं है, तो उनको ना एक उसी प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। ज़ोर ज़बरदस्ती अगर निकाह हो गया तो फिर जो भी राइजुल वक्त सिस्टम है उसी में जाना पड़ेगा, खुला है या तलाक है या जो भी है, वो उस मैटर में उन्हें जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो निकाह वहाँ करें जहाँ उन्हें पसंद है। लेकिन उससे पहले भी देखें, अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करा दिया है तो कोशिश यही करें उस तक नौबत ही ना आए, अल्लाह ताला से आप इतना मांगें, दुआ करें, इस्तखारा करें कि वो उसकी नौबत ही ना आए। और हद, मतलब जितनी हतुल वसा आप नहीं अगर करना चाहते तो इनकार करें, लड़के भी इनकार करें और लड़की भी इनकार करे अगर वो नहीं करना चाहती। तो जब उसे पूछा जाता है कबूल है, तो वो क्यों कहती है कबूल है, मुझे आई डू अंडरस्टैंड कि जुल्म हो रहा होता है, ज़बरदस्ती करवाया जा रहा होता है, प्रेशर इतना होता है, लेकिन हतुल वसा कोशिश करें कि वो चाहे निकाह का दिन आ जाए। मैं मतलब वो इतना प्रेशर होता है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो बड़ा इम्पॉसिबल होता है, लेकिन पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, देखें कि ये ना उस दिन इनकार कर देगा या कर देगी, तो इसलिए वो कोशिश यही करेंगे कि ना किया जाए, और पेरेंट्स खासकर इस चीज़ को समझें कि ये जुल्म ना करें। आपसे ये पूछना था कि जो जो शख्स है, जो उनके पिताजी है, तो उनसे हमारी बात हुई थी, तो मतलब मेरे से बात हुई थी उनकी, तो किसी और इंसान ने मेरे बारे में उनको कुछ गलत कहा, तो उनको मैं कैसे समझाऊंगा? मतलब उनके सामने एज मेरी छोटी पड़ रही है, तो वो मेरे फैमिली से बात करने के लिए तैयार नहीं है, मीन्स वो अवॉइड कर रहे हैं, तो उनको समझाना है कि मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ, क्योंकि जो लड़के हैं वो मेरे को बहुत पहले से जानते हैं और उनके फैमिली वाले भी ऑलमोस्ट मुझे जानते हैं, क्योंकि हम आस पास के नेबर्स हैं, पर किसी एक शख्स की वजह से उनका माइंड एकदम से चेंज हो गया है कि वो सब चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, और वो लड़की जो है बहुत परेशान है और रो रही है कि वो घर पे साइकोलॉजिकली इसको प्रेशर डाल रहे हैं कि वो बच्चे बोल रहे हैं कि फैमिली प्रेशर की वजह से मुझे कुछ नहीं बोलने आ रहा है। मेरे साथ पर्सनली इस तरह का इशू हुआ है, ठीक है, मुझे भी बड़ा बदनाम कर दिया गया था, लेकिन मतलब मैंने किसी को सफाई नहीं दी, अपनी अल्लाह से ही मांगा कि अल्लाह तू ही रास्ता निकालेगा। तो इवेंचुअली फिर यही हुआ कि जो हक होता है ना वो होके रहता है, अल्लाह ताला ने रास्ता निकाला। आप भी दुआ करें अल्लाह ताला से, वो बच्ची भी दुआ करे, और अल्लाह ताला, देखें जब कोई रास्ता आपके लिए नहीं रहता ना, तो फिर एक ही रास्ता होता है, वो होता है अल्लाह का रास्ता, और वही दिलों को बदलने वाला है। वो कोई ऐसी सूरत इंशाल्लाह बना देगा कि खुद ब खुद मतलब आपका जो पिक्चर है, इमेज है, वो उनके सामने बेहतर हो जाएगी। अगर किसी ने डिसाइड कर लिया है ना कि भाई ये शख्स बुरा है, तो अब आप ना वो उसको उड़ के भी दिखाएं ना हवा में, तो उसने यही कहना है कि ये जी बुरा है, इसने कोई जादू कर लिया होगा। तो उसमें यही होता है कि अव्वल तो अगर वाकई आप लोग को एक दूसरे से प्यार है, नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर, तो आप सबसे पहले कमिटेड रहें, गिव अप ना करें,
ठीक है, जब कमज़ोर पड़ेंगे तभी ज़बरदस्ती ने कहा होगा ना, जब आप गिव अप नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पेरेंट्स को भी इस चीज़ को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि इनका वहीं पे कराएं। और इस दौरान में आप अल्लाह ताला से मदद मांगते रहें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता निकाले, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई रास्ता निकालेगा। थोड़ी देर पहले भी हमारी ये बात हुई है कि हुमैया तकल्ला या जाल्लाहु मखरजा, जो अल्लाह ताला से डरता रहता है, हुमैया तवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बू, तो अल्लाह ताला उसके लिए ज़रूर काफ़ी हो जाता है। जो अल्लाह ताला से मांगता रहता है अल्लाह ताला ज़रूर उसके लिए रास्ता निकालता है। तो दुआ में बड़ी पावर है। वो एक सजदा, आज बार बार ये शेर हमें याद आ रहा है कि वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। जब कोई फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट, फिज़िकल सर्कमस्टांसिस ना ना रहें, फिर एक ही रास्ता होता है और वो यही होता है कि अल्लाह ताला दिलों को बदल दे। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि जब किसी चीज़ से निकलने का कोई रास्ता ना आ रहा हो ना, तो उस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वाली दुआ करनी चाहिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू तो पाक है, हमसे ही गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये मुश्किल हमारे ऊपर आ गई है, तो हमारी गलतियों को माफ़ कर दें। जी जी, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज भी पढ़ें, हाजत दुआ नफल हाजत पढ़ें, नमाज पढ़ें, सब्र करें और अल्लाह से मदद मांगते रहें। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अवैस नसीर एकेडमी पे जाएं और फुल कोर्स लें और पूरा टॉपिक डिटेल के साथ समझें। उसके अंदर क्विजेज वगैरह भी मौजूद हैं, सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, आप जब चाहें क्लास ले सकते हैं और अपनी पेस के ऊपर, अपनी स्पीड के साथ आप जो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं उनको लें और इस टॉपिक को पूरा डिटेल में समझें ताकि दीन का सही फहम आपको आ सके। आपने जाना है awaisnaseer.com/academy के ऊपर, awaisnaseer.com/academy, यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पर कोर्सेज सारे पड़े हुए हैं। और ये जो कोर्सेज हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, इनकी कोई कॉस्ट नहीं है। इनको कोर्सेज के फॉर्म में पब्लिश करने का मकसद ये है कि जो लोग अल्लाह ताला ने जो हमसे ख़िताब फरमाया है, जो चीज़ें हमें बयान फरमाई हैं और जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, उनको एक डिटेल्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट किया जा सके और आप एक पूरे टॉपिक को डिटेल के साथ समझ सकें, इसलिए इनको कोर्सेज के फॉर्म में पब्लिश किया गया है। अदरवाइज़ सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री है। उम्मीद करता हूँ आपसे मुलाकात होगी अवैस नसीर अकेडमी पर।